नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सौंफ के पानी का इस्तेमाल आप लोग चर्बी को कम करने या लटकते हुए पेट को कम करने या कहें हम लोग वजन को कम करने के लिए किस प्रकार करते हैं सौंफ के पानी का इस्तेमाल। सौंफ पेट के लिए अच्छा होता है और हेल्दी भी रहता है। आप लोगों के वजन को निरंतर गति से कम करने के लिए जिम्मेदार होता है सौंफ, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आप लोग पतले हो सकते हैं, अपनी चर्बी को कम कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर। अगर आप लोग मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग सौंफ के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ जो है वो जीरे की ही प्रकृति का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है। तो आप लोग इसको एज ए बेली फैट को कम करने, एब्डोमिनल फैट को कम करने, या हम लोग कहें कि अच्छे रहने के लिए भी आप लोग सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप लोग खाने से पहले कर सकते हैं, 30 मिनट बाद और 30 मिनट पहले, और आप लोग खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। साथ ही आप लोगों के अगर डाइजेशन जो पावर है उसको इम्प्रूव करना है तो आप लोग खाना खाने के बाद भी सौंफ के दानों का मिश्री के साथ जो है इस्तेमाल में ले सकते हैं। इससे क्या होता है, आप लोगों का डाइजेशन जो सिस्टम होता है वो अच्छा होता है। सौंफ के पानी का इस्तेमाल जो है वजन कम करने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि आप लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है, अगर वो उसे आप लोग स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म की रेट को दुगना करना चाहते हैं। मेटाबॉलिज्म एक तरीके का रसायन ही होता है जिसको हम लोग पाचन क्रिया में काम में लेते हैं ताकि आप लोगों की पाचन क्रिया अच्छी रह जाए। तो सौंफ के पानी का इस्तेमाल आप लोगों को कैसे करना है इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को कुछ सौंफ जो है मिक्सर ग्राइंडर में ले लेनी है। मिक्सर ग्राइंडर में आप लोगों को सौंफ को पीसना है, बारीकी से पीसना है, ताकि जब आप लोग इसको पानी में डालेंगे, उबालेंगे, तो आप लोगों को पूरे के पूरे गुण जो है सौंफ के मिल सके और तुरंत मिल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने टाइम रिड्यूसिंग प्रोसेस जो है आप लोगों के लिए की है, क्योंकि अगर पूरा बीज होता है तो वो घुलने में या आप लोगों के लिए ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन अगर आप लोग मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस कर और फिर उबालेंगे तो ये थोड़े से गुण जो है वो नष्ट होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए हेल्दी ही होगा। मतलब अगर 3% गुण नष्ट होते हैं तो 97% गुण जो है वो तुरंत आप लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन रेमेडी जो है वो जल्दी तैयार हो जाती है दोस्तों। तो इससे आप लोगों का मेटाबॉलिज्म दर जो है वो बढ़ने लग जाएगा, मेटाबॉलिज्म दर बढ़ेगा, साथ ही आप लोगों का जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में है तो डायरेक्टली आप लोगों का सिग्नल निकलता है कि ये इंसुलिन की मात्रा को भी कंट्रोल करता है, तो ब्लड शुगर लेवल जो है आप लोगों का डाउन होगा और साथ ही आप लोग जो है इंसुलिन हार्मोन भी डाउन होगा। तो इस प्रकार आप लोग सौंफ को पहले पीस लें मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीसने के बाद आप लोग इसका इस्तेमाल जो है वजन को कम करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो सौंफ जो है पीसा है, बारीकी से पीसा है, देखिए, और उसके बाद में आप लोग इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लें या आप लोग जो है कटोरी के अंदर निकाल लें। उसके बाद में आप लोग इसकी 2 चम्मच जो है 1 गिलास पानी में डालकर पिए। ये आप लोगों के लिए ठंडा है, अगर आप लोग सुबह सुबह इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्दी साबित होगा, क्योंकि मॉर्निंग में इसको पीने से आप लोगों का मेटाबॉलिज्म वैसे ही बूस्ट होता है तो और भी बूस्ट हो जाएगा। तो 1 गिलास पानी के अंदर आप लोगों को 2 चम्मच जो है सौंफ के पानी को उबालना है। अब बात आती है आप लोगों को कब्ज की शिकायत होती है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि उनके पेट में गैस भरी रहती है। तो हाँ, जो सौंफ का पानी होता है वो आप लोगों की गैस को ख़त्म करता है, कब्ज को दूर करता है, पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है उसे दूर करता है, उसको जड़ से मिटाता है, इवन आप लोग कह सकते हैं। तो सौंफ का पानी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने वाला होता है। ठंडी प्रकृति का होने की वजह से आप लोग जो है सुबह सुबह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को अम्लपित्त की जो समस्या है, जिसको हम लोग खट्टी डकारे भी बोलते हैं, अगर वो आती हैं आप लोगों को तो ये समस्या आप लोगों को सौंफ का पानी दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को अम्लपित्त यानी कि एसिड रिफ्लक्स की सब प्रॉब्लम है तो आप लोग इसका गर्म पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, थोड़ा उसे ठंडा होने दें, तभी आप लोग उसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस प्रकार ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आप लोगों के हार्ट को अच्छा रखता है, फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है इसके अंदर, तो बहुत सारे गुण मौजूद होते हैं सौंफ के अंदर।
जो कि आप लोगों के वजन को कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आप लोगों का बैली फैट है तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का इंसुलिन कंट्रोल्ड हो। तो ये इंसुलिन यानी ब्लड के अंदर जो रक्त की शर्करा की मात्रा होती है रक्त के अंदर, उसको भी कम करता है। तो इस प्रकार आप लोग क्या करें, उसको उबाल लें। उबालने के बाद में इस पानी को आप लोग डायरेक्टली पी लें और जो बचा हुआ सौंफ है उसको भी आप लोग जो हैं खाएं, चबा कर खाएं, या आप लोग डायरेक्टली इसमें थोड़ा सा और पानी मिलाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे गुण जो हैं थोड़े से पानी के अंदर आ चुके हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं अपने वज़न को कम कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी जो है कम करने का अच्छा तरीका है ये है, आप अपना सकते हैं और अपने पेट को भी ठंडा रख सकते हैं। तो हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, कम खाइए। धन्यवाद।